थोड़ा दिन हो चुका है, थोड़ी थोड़ी धुंध है अगर दिखाऊं खेतों में तो मैं आपको, खेतों में धुंध है ना नीतू, और भाई इधर लोग थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह। मार पे भी मार दो ना, एक गड्डी ऐसे मारो 500 की मेरे ऊपर फेंक ले बेटा, जा 500 की गड्डी खाली हाथ ना, ये पिक्चर नहीं है कि यहाँ से फेंकी और वहां से हाथ में मेरी गड्डी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। आप सबकी दुआ से भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ और फुल ऑन मजे मार रहा हूँ। आज देखो सुबह सुबह मेरे पास कौन आ गए हैं, देखो सुबह सुबह आ चुकी है हमारे पास परी मैडम, और दूसरी जगह देखो कौन है, ये देखो। तो दोनों भाई मेरे पास छोड़ के जा चुके हैं कि दोनों को आप रखो और आपकी जिम्मेवारी है, दो दो परी सबको नमस्ते करो, नमस्ते करो, वेरी गुड, काबू आप भी करो सबको, बोलो। हमारी नतीशा मैडम ऑल इन ब्लैक में, आज कैसे ऑल इन ब्लैक में, गुड मॉर्निंग तीतू जी, गुड मॉर्निंग, कैसन बा, अच्छा बा, ठीक बा, ठीक बा, गुड। तो सुबह सुबह बनाया जा रहा भाई खाना, खाने में रोटी, और क्या बनाया आज तूने मेरे लिए ये बता दे। दाल चावल बनाए गए भाई, जैसा कि ये मेरा जूसर रखा है क्योंकि मैंने अभी जूस पिया था। ये कुछ लोग प्राणी है जो बाहर से ऐसे झाक झाक के देखते हैं, अरे फैंस हो तो यार ऐसे मिल लिया करो यार, अगर तुम लोग मेरे फैंस हो तो मिल लिया करो यार, ऐसे 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 कोई इशू नहीं है मेरे को, आई एम नॉट अ बिग सेलिब्रिटी मैन हूं, पर मैं मानता नहीं हूं अपने आप को यार, कोई नीड्स ओके ओके। ये देखो, और इधर भाई अपनी चटनी बढ़िया सी जो कल बनी थी, राइस, नीचे दाल, ये जूस होता है जो कि मैं घिया का पीता हूं डेली सुबह सुबह, ये मेरा मग रखा है, और ये उस दिन शेकर टूट गया भाई, क्या करें यार। हमारी माता श्री, गुड मॉर्निंग मम्मी, नहाली, अरे मम्मी 5-6 दिन होगा आपने नहाले करो यार, टाइम तो रोज, कितने दिन होगा आपने नहाए, तो कह रहे अपनी अपने से अपने जैसे समझता है, मम्मी कहने का मतलब ये था, मम्मी मेरे जैसे समझता तुम शेर का भी मुंह नहीं धोते, मैं तो हमेशा ऐसे ही था भाई। मैं आ गया हूँ अभी केक की शॉप पे क्योंकि भाई आज अपने गुरु जी आशु भाई का बर्थडे है, और भाई केक देख रहा हूँ यहाँ पे केक कौन सा सही रहेगा भाई के लिए, क्योंकि भाई है ना थोड़े से चूजी है केक के मामले में, थोड़ा सा मतलब खाते नहीं है फिर भाई, तो फिर क्या फ़ायदा, भाई का ही बर्थडे है, तो अपने और भाईयर भी आ रहे हैं साथ साथ में, कुछ भाईयर सुबह हुए थे, तो फटाफट भाई केक लेंगे और गुरुजी के पास निकलेंगे, केक वेक कटवाएंगे गुरुजी का, फिर करेंगे अपना वर्कआउट। तो भाई कौन से ऑप्शन में दिखाता हूँ आप लोगों को जो भी है, पहले ना मेरे मन में थी ये वाला ले जाऊँ ब्लूबेरी वाला, फिर मेरे को लगा यार अंदर से भी इसका ब्लूबेरी का ही टेस्ट होएगा, फिर मेरे याद आई मैंने कि बाकी इन सब ने छोड़ के भाई को चॉकलेट तो वैसे ही पसंद है, मगर चॉकलेट वाला ही दे दे, तो भाई ने चोको चिप दिया है, वो कर दिया अपना, तो पैक ये रखा भाई अपना पैक हुआ। कह रहा भैया आपके पास इतना पैसा आ रहा है तो आप कार्ड से पेमेंट क्यों करते हो, बताओ बताओ जवाब दे, नहीं यही तो बात है, कैमरे के सामने कोई नहीं बोल पाता मेरे भाई, अब फ्री में देगा आप बता, दे देंगे कुछ भी, दे देंगे कुछ भी दे देगा, तो भाई आज का मेरा केक फ्री है, स्पॉन्सर नहीं करते, मैं तो परमानेंट कह चुका स्पॉन्सर कर दो, सोच ले मैं फ्री में ले जाऊंगा, ले दू ना, देखा पलट गया ना भाई, पैसा 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 कहाँ जाओगे, इतना पैसा कमा के बिल ले लिया, देख बिल के वो दिखा रहा हूँ मैं पहले ही भाई, बाद में वो करता ना, अब बोल अभी तू कहता पैसे नहीं लूंगा, फिर अब बिल क्यों लिया, जवाब दे के दे भाई। मेरे बारे में दो शब्द बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं मिरर है बिल्कुल बिल्कुल, डिट्टो बस, डिट्टो टू यू, माय इंग्लिश इज वीक एंड माय हिंदी स्ट्रांग, सो इफ इट मिक्स दैट देन इट बिकम स्पेनिश, स्पेनिश समझ आएगी नहीं भाई। जब बिहार के साइड इफेक्ट देख रहे हो आप, लड़का बिना एक्सरसाइज करे बाहर आके बैठ गया, भाई एक्सरसाइज क्यों ना कर रहा तू, हैं मान ली तेरी शादी होगी, कर ली भाई एक्सरसाइज, अरे घर जाने की इतनी जल्दी हो रही है, घर जाने की इतनी जल्दी हो रही है भाई, मैं तो अब आया हूँ बाहर, तू कब से बैठा है, मैं तो अब आया हूँ बाहर, अभी आकाश नाम दे, आकाश बताऊंगा, प्रोटीन पिया है भाई, अच्छा जी फोटो देख रहे हो, फोटो भी अपनी उसकी लगा रखी है भाई साहब, मेरी फोटो भाभी की लगा भाई, अपनी क्यों लगा रहा है भाई, मैं अपनी लगाऊंगा, भाभी ने तेरी लगा रखी होगी ना अपनी, फिर तू क्यों लगाओ भाभी की, ताकि पता ना चले जिम पे तू शादीशुदा है, पता चलेगा भाभी को, भाभी बताऊंगा मैं फोन करके, ठीक है पूरे जिम पे बात जाएगी, कैमरा बंद नहीं होएगा, कैमरा बंद नहीं होगा, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, रुक जा रुक जा रुक जा, चल भाई अब आ रही क्लियर, एक्सरसाइज हो रही भाई, भाई एक्सरसाइज हो रही है, चल मैं जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बालक फोन आ रहा भाई, मैं जा रहा हूँ, बंद हो अब लेट, अरे फोन तो छोड़ दो, टूट जाओ टूट जाओ भाई, कोई ना चबन कोई ना, कोई नहीं जाओ, भाभी का फोन आ रहा है भाई, बालक आ रहा है भाई, ये देख बालक आ रहा है भाई, ये देखिए सर ये सैंडविच और ये मील, ऑर्डर किसने किया, खाना किसको है, सैंडविच किसका है, सैंडविच भले मेरा है,
फिर क्या कहा था आपने? परसों तो तूने सिर्फ बर्गर बर्गर में निपटा दिया मुझे। तो मैं तो हेल्दी लाया हूं ना, मेरी तो हेल्दी मील हो रही है। सैंडविच के लिए कहा था कि मैं भी खाऊंगा, ऐसा तो है नहीं, आप नहीं खाओगे इनमें से। अरे चल भाई खा ले, भाई खा ले, जा तू राजी रह, जा तू राजी रह। ये देखो भाई जलेबी चुटिया, ये देखो दो दो बना रखी है। इतनी कैसे याद आई इतनी उम्र में चोटी बनाने की? अरे पहले बहुत कर लिया मेरे यार, मैंने सोचा इतना उलझ जाओ, मैंने सर धोया था। ओके उलझेंगे नहीं। ओके okay, इतना रोकी मास्टर से मिल लेते हैं। हेलो रोकी, बढ़िया जुगाड़ है। हेलो रोकी, हाउ आर यू भाई? चल बाय बाय, सो जा फिर तू उठे एक घंटे में। तो ये देख लो तीनों ही ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं। ये मार चुके भाई होम स्वीट्स पे स्पेशली कुछ खाने के लिए, देखेंगे इस पे क्या क्या अच्छा मिलता है। और ये आई लव डैड स्पेशली पहनी है ना पापा के लिए, है ना परा? चलो ये देख लो भाई अपनी स्पेशली जगह पे आके खड़ी होगी, जो ये सबसे ज़्यादा खाती है क्या, लड्डू। इसके फेवरेट है लड्डू, वहाँ से आई चुपचाप हाथ छुड़वा के और लड्डू खाने हैं। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या खाना है, क्या खाना है, अड्डू खाना है? हाँ बताओ क्या खाओगे, क्या खाओगे बताओ। वो लग रही भाई अपने खेलने में, ये लो नंगे पैरी, कोई क्रॉक्स नहीं कुछ नहीं है। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी अलका के घर पे, और भाई उसका एक काम अटक रहा था बहुत दिनों से, जो कि मेरे भरोसे भी था और कुछ गवर्नमेंट के भरोसे भी था। तो फाइनली भाई मैंने उसका काम करा दिया है, अभी उसी के पास जा रहा हूँ, मिलवाऊंगा उससे और दिखाऊंगा उसकी खुशी जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से पागल हो रही थी कि उसको चाहिए थी वो चीज़। तो फाइनली भाई आज वो पेपर हमें मिल गए हैं, तो अभी चलते हैं भाई एक बार और मैडम से मिलवाते हैं और बाकी सबसे मिलवाते हैं। शायद आज मेरे को लग रहा है जी अजी भी घर पर ही हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ी यहीं पर खड़ी है। Always busy in his work. He's always busy. देख रहे हो पैसा इतना महत्व रखता है। चलो बाकी सबसे मिलवाते हैं आप लोगों को। हाँ भाई लौंडे, अभी अब भाई पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं और मौसी सो रही भाई इधर। मुझे नमस्ते, कैसे तबीयत खराब है क्या मुझे? अच्छा एक कहाँ गई? ओ काम वाली भाई बना रखी तू तो। हाँ। कोई ना, यही होता है ससुराल में आने के बाद। अपने घर तो तूने करा ना कदी, अब यहाँ आकर तू काम वाली भाई बना रखी है। मैं सच्ची अमन, अपने घर की सफाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा ले तेरा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। नहीं हम आ रहे थे अभी, मैं वहीं आ रही। पार्टी दे दे, छह आठ दिन हो लिया घूमते घूमते। जिनका है उनसे मांग। जिनका है नहीं उन्होंने तो कह दी कि वो देगी। अच्छा क्योंकि उसी के नाम का पेपर आया तो वही देगी। मैं इसको दे रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा जो कि मैंने इसको दे दिया है। ये जा तू भी क्या याद रखेगी, जा सबको पता है, सबको पता है। जा तू भी क्या याद रखेगी, आधा हिस्सा दे दिया मैंने तेरे को अपने प्रॉपर्टी में से, ठीक है? देख रहे कितने ध्यान से देख रही है, पैसा चीज ही ऐसी होती है, एक नीचे लग रहा है एक भाई यहाँ, पैसा चीज ही ऐसी होती है। तो गाइस अंजलि के घर से मैं फिर निकल गया हूँ, अभी निकल गया हूँ कोर्ट के लिए, क्योंकि अब है मेरे को मेरा काम कोर्ट में जाना है मेरे को एक बार अभी, और छोटा सा काम है एक, तो फटाफट चलते हैं भाई, क्योंकि हमारे भाई साहब जो आपने सब जानते होंगे अपने बड़े भाई साहब है वकील साहब राजीव शर्मा, तो वो भी वहीं मिलेंगे अभी। तो चलते हैं फटाफट और अपना काम करवाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाए। और नीतू को अभी मेरे को लेके जाना था भाई एक बार सलून में, क्योंकि भाई उसको हेयर कट वगैरह लेना है, क्योंकि फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए भाई हेयर कट वगैरह उसको कराने थे। चलो मैंने उसको ये बोला कि मैडम आप कराओ और मेरे को लग जाएगा टाइम, थोड़ा सा गुस्सा होना उसका लाजमी है, क्योंकि गलती मेरी ये है कि मेरे को पहले बता देना चाहिए था कि मेरे को काम है, और भाई मैं उसको बताना भूल गया कि मेरे को काम है, वो मेरा वेट कर रही थी। मैंने उसको एकदम से फोन कराया कि भाई मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मेरे को टाइम लग जाएगा, तुम अपना करा लो। अपना कोर्ट का काम हो चुका है, पेपर्स अपने हाथ में आ चुके हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लग गया ये रे पेपर्स अपने, क्योंकि भाई साहब आ गए थे, फिर एक दो भाई और हैं वकील अपने जानकर, फिर सारे वहीं बैठ गए थे, भाई साहब के चैम्बर में ही से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अब चलेंगे घर पे, क्योंकि शायद आयु आया हुआ है अपना। ट्रैफिक एज यूजल ये दिख ही रहा होगा, और पीछे तक देख लो भाई, ये देखो मेरा ना भाई ड्राइविंग से छिक लिया, अब है ना ड्राइवर वाली फील आने लगी है थोड़ी थोड़ी। इतनी खुश क्यों हो रही हो साहब सुबह से? खुश तो होंगी भाई, तो मैं कुछ इतनी ज्यादा खुशी क्यों, खुशी का राज बताओ फिर मैं आगे की गाइस मैं उसके बाद आपको बताऊंगा चीजें, खुशी का राज बताओ। खुशी का राज भाई है मैं बाण का पोत हुए वहां जाऊंगी और पांच दिन रुक के आएगी, इसलिए ये खुशी हो रही भाई। हाँ तो पांच दिन रुकने के लिए, तो पांच दिन कहाँ रुकूंगी, आज जाऊंगी जागरण, देखो कल आ जाऊंगी होली है। हाँ फिर जाऊंगी कल शाम ने। अच्छा फिर आऊंगी 27 ने, फिर देख लो भाई परी का बर्थडे भी छोड़ रही है। कोई ना भाई कोई ना, बहन का मोह में पोती का बर्थडे छोड़ा, यही मेरा वो आएगा जो मेरा थंबनेल आएगा ना कि बहन का मोह में पोती का बर्थडे छोड़ा। भाई ये आ गया इसका चॉकलेट शेक, देख लो मेरे को पीने दे रही, मैं कह रहा हूँ मेरे को दे दे।
देख लो, इसने कोल्ड कॉफी मंगाई थी अपनी, चॉकलेट शेक मैंने मंगाया था अपने, कि मैं भी इसका ट्राई करता हूँ। अरे तो दे तो दे मेरे को, मैं तो लेके थोड़ी भाग जाऊंगा, हाथ में छीन रही है, पी नहीं खुद को इसको, फिर मैं तेरी कोल्ड कॉफी पीऊंगा। अब ले ले, बताओ आजकल के बच्चों को क्या चाव चढ़े हैं। तो भाई साहब अभी मैं और हमारे भाई साहब निकल चुके हैं, कहाँ अब ये भाई बताएंगे, भाई साहब ही बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। आज होली मिलन समारोह है, जीएल शर्मा जी हरियाणा उपाध्यक्ष उनके वहाँ भाई आज है होली मिलन समारोह, तो मैं और भाई साहब अभी निकल गए वहीं पे ही, फटाफट वहाँ जाएंगे। उसके बाद मुझे है थोड़ा सा काम, मैं निकल जाऊँगा कहीं और भाई साहब निकल जाएंगे कहीं, तो फिर हमने सोचा कि पूरे दिन मिल नहीं पाएंगे, तो सही है अभी थोड़ी देर साथ चलते हैं वहाँ पे, गाड़ी में साथ चले जाएंगे और फिर वैसे मिल लेंगे, क्योंकि आजकल ये भी बहुत बिजी चल रहे हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत मैं चल रहा हूँ, ये ज्यादा चल रहे हैं, है ना। मैं क्या करूँ, क्या ऐसा शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्द के लिए सच बोलना पड़ेगा, सच वो बोल नहीं सकते तो शब्द ही नहीं है। ठाली आदमी भाई, सही कह रहे हो, कोई कहीं बुला दो यार, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो गाइस भाई मैं हो चुका हूँ फ्री, दोनों मैं क्या भाई साहब भी हो चुके हैं फ्री, देख लो टीका टुका लगवागा अपना, मेरे भी लगवा दिया फटाफट, अरे तार के रख दिया यूं बोला भाई बहुत है इतनी देर, हम दोनों फ्री हो चुके हैं, बेसिकली हमें कुछ काम था तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए वहाँ से, छोटा मोटा सा एक्सक्यूज देके, एक्सक्यूज भी नहीं था वैसे, हमें सच में ही काम था, अब उन लोगों को एक्सक्यूज लगे तो लगे, क्यों भाई साहब हमारे तो काम है। तो बड़े वाले भाई साहब और अभी आ रहे हैं बहुत, हाँ, से दो गाड़ियां आ रही हैं, हाँ, क्योंकि भाई साहब के घर से अभी दो और आ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब के रिलेशन में भी लगते हैं ये और वैसे भी है, दोनों रिलेशन में लगते नहीं हैं, दोनों चीज में है ना, मतलब आपके रिलेशन में भी और वैसे भी है ये, तो भाई इनका बनता है जो भी है यार, अब देखो हर कोई किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, ये लोग इनको करते हैं, हम पार्टी के सपोर्ट नहीं है, ये हमारे जीजा जी लगते हैं, हम इसलिए सपोर्ट इनको सपोर्ट करते हैं। तो चलो जो भी है भाई, एक्स वाई जेड है तो एट लास्ट बीजेपी में ही ना, बिल्कुल, और मैं तो खुद बीजेपी मोदी जी का समर्थक हूँ और मोदी जी के ही लिए ही मैं आया हूँ। अरे आप भी तो बीजेपी में थे पहले? मैं तो आज भी बीजेपी में हूँ भाई। अच्छा जी, हाँ मैं बीजेपी सरस्वती मंडल का मंत्री हूँ, लीगल एड मेरे पास है, समझ रहे हो भाई, देख रहे हो तुम, मैं तुम ऐसे लगाते हो मेरे को, मैं ऐसे नहीं हूँ भाई, तुम पता नहीं मैं किसके साथ रहता हूँ, और वो भी बता दो अपनी दूसरी वाली पोस्ट भी बता दो, आल गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट टैक्स वार का सेक्रेटरी हूँ पूरे गुड़गांव, सोच समझ के पंगा लेना मेरे से, समझ रहे हो तुम, पता है मेरे साथ कौन है, देख लो तुम हल्के में ले रहे हो मेरे को, यूं यार तुम्हें पता नहीं है कौन बैठे मेरे साथ और कौन 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, तीन बार मिस्टर इंडिया भी रह लिए, अब तो बिल्कुल मत लड़ना मेरे से, वरना भाई ठाठा के मारे, वेट लिफ्टिंग में पावर लिफ्टिंग खेलते भाई साहब हमारे, चलो भाई साहब बहुत हो गया, अब जनता की कही छाती भर दी तुमने हमारी बोल बोल के, अब चलेंगे भाई अपने फटाफट लगा दो सूट हम शॉर्ट घर पे, क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर जाते, भाई साहब रोक लिया बीच में क्यों, उनको भाई थोड़ी सी होली की शॉपिंग करनी थी, आपको तो करनी थी, झूठ मत बोलो, आपको करनी थी ना, अच्छा ठीक तो भाई दोनों को करनी थी बेसिकली, मेरे को लेना था घर के लिए सामान, आयु परी और टिया के लिए, उन सब के लिए लेना था थोड़ा बहुत, मतलब ये कलर वलर होते हैं पिचकारी, एक चीज़ और लेनी थी, अभी दिखाता हूँ आपको जो जो मैंने लिया है, और फटाफट चलेंगे घर पे क्योंकि आयु और वेट कर रहे हैं, और फिर उनको दिखाएंगे। भाई आजकल इतनी सारी वैरायटियाँ आ गई, इतनी सारी वैरायटियाँ आ गई, ये देखो हथौड़े वाली पिचकारी, ये भाई साहब ने लिया हमारे ने, और भी कई चीज़ें जो मैंने लिया आयु के लिए, घर पर दिखाऊंगा आप लोगों को, और भाई बलून्स वगैरह लिए हैं, कुछ कलर लिए हैं, एक दो चीज़ें और है जो आजकल वो चल रहे हैं भाई जलाने वाले, उनमें से कलर निकलते हैं, बाकी चीज़ें घर पे दिखाऊंगा अभी जाके, थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो जाएगा, पेमेंट में हो चुकी है अपनी, भाई साहब की रहती है, फटाफट करके फिर निकल रहे हैं। किधर हो रही है आप सबकी तीतू भाभी रेडी, जैसा कि दिख ही रहा होगा, ओहो तो अभी भाई नीतू ने पहना है आज ये, जो कि भाई अभी हम शॉपिंग करके लाए थे लास्ट, आपने देखा होगा, और भाई आते के साथ सबसे पहले भाई कैसा लगा मेरा सूट, कैसा लगा मेरा सूट, मुझे तो ओके ओके लगा, और इधर देखो भाई हमारे छोटे महाराज को जूते देखो इसके, एक बार लड्डू राम के देखना शूज, ये देखो इसको, हटिए बेटा ड्रेस दिखा दे अपनी एक बार, ये हाथ को कभी हटा भी लेकर है, कभी हटा भी लेकर, इधर देखो ये मैडम रेडी हो चुकी है, और इस मैडम को रेडी करा जा रहा है, जरा देख के बताइए, वाओ क्यारा रानी, वाओ दिखाना नहीं चाह रही है, ये देखो ये कुछ ऐसी लग रही है, अभी कमेंट करके बताना वैसे कैसी लग रही है, मेरे को तो ओके ओके लग रही है, बट ये कह रही है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं कहा, झूठे तो बहुत हो आप, हाँ अपनी तारीफ अपने मुंह मिठू, कोई नहीं हो जाता है, तू फटाफट रेडी कर, अच्छा हम है ऐसे रेडी होना चाहिए गाइस, देख रहे हो क्योंकि रात को जाग रहे, तो भाई अपना वो लुक होना चाहिए जिसमें आप इजीली कंफर्टेबल हो, ऐसे नहीं जा सकती ना, भवे लोअर टी शर्ट में जा सकती, क्यों जा सकती, घर पे भी तो पहनती है तू, है ना भाई क्या रानी,
तो गाइज आज का मेरा फाइनल लुक है ये। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा न्यू सूट कैसा लग रहा है। मैं बताऊँ कैसा लग रहा है? बताओ कैसा लग बहुत ही सुंदर भाई साहब, आर पार की लग रही है आज तू भाई, मतलब चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। बहुत सुंदर लग रही है तू आज सच में, और तेरे से ज्यादा सुंदर है ना ये सूट लग रहा है, मतलब जो नीचे का पैटर्न है ना इसका, इट्स अमेजिंग। पर वो ये चॉइस चॉइस की बात है ना, चॉइस किसकी है, साथ कौन गया था? हर चीज में क्रेडिट तो लेना ही, क्रेडिट क्यों ना लूं मैं अपना, हर चीज में लेना है। एक तो सुंदर, एक तो सूट की वजह से सुंदर लग रही है, दूसरा इसकी वजह से लग रही है, ये भी मेरा ही दिया हुआ है, और तीसरा इस तो मेरा ही, और तीसरा इस तो तीसरा इसकी वजह से लग रही है, ये भी मैं इधर लग रहा था। तो सुंदर 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 तो मेरे ही हो। ओहो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये क्या हुआ क्या हुआ? तो भाई इधर हो चुकी है हमारी मम्मी रेडी। अरे अब तो छोड़ दो, अब तो फंक्शन में जाओ। दोनों सासू बहू वगैरह सफाई की इतनी एक्सट्रीम वो लग रहा है, लुक तो दिखा दो एक बार। अरे दिखा दो बीचे, देख रहे हो ये, देख रहे हो ये पैसा झलकता है भाई। मम्मी इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत मार पे भी मार दो ना। एक गड्डी ऐसे मारो 500 की मेरे ऊपर फेंक ले बेटा, जा 500 की गड्डी खा ली आज ना। ये पिक्चर नहीं है कि यहाँ से फेंकी और वहां से हाथ में मेरी गड्डी आ जाएगी। हाँ, हाँ। ये इसने पता नहीं इसकी दादी कैसी, तो इसको पता है इसकी दादी वैसे मजाक कर रही है। तो भैया ये मम्मी का सूट है, ये पापा ही लाए थे, हमें तो मैं भी तो गया था साथ में, वही वाला तो है एनिवर्सरी का, ये एनिवर्सरी का, ये उससे पहले एनिवर्सरी का, ये अभी कान्हा जी उससे पहले एनिवर्सरी का, ये कान्हा जी ने सुहाग सही बात ना। अभी देखो गाइस ये देखो, मोटी चेन मोटा पैसा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। अरे बंद दिखाएगा, ओ बेचे ऐसे नहीं दिखाएगा। अरे मम्मी मैं आपको कह रहा था मोटी चेन मोटा पैसा, इधर देख रहे हो ये देखो, मेरे को गाइस मेरे को पता है कैसे कह रहे हैं, मेरे को पता है कैसे कह रहे हैं। राहुल तूने ये क्या पहना है? राहुल ये क्या है? क्या ये पैसा ही पैसा है भाई। नमस्ते, देख लो फोटोग्राफी का पैसा बचा रहा हूँ मैं सबका। हेलो हेलो हेलो, बेटा तू अभी तो आई है, तो अपने घर साड़ी लेके भी चल दी, और तो स्टॉक जोड़ रही है तुमने। ओ फिर ठीक है, तो गाइस घर पे पहुंचते के साथ मैं और अल्फा ब्रदर आ गए मंदिर में, क्योंकि सबसे पहला जो भोग लगेगा वो गुरुजी और मंदिर में लगेगा, तो स्पेशली यहाँ लेके आए हैं। अब आपको दिखाता हूँ मंदिर पूरा भाई, मंदिर स्टार्ट है पूरा, और ये हमारे अल्फा महाराज जी हैं जो ले रहे हैं। भाई अल्फा देख, वैसे तो ये भगवान जी के लिए, मैं कुछ वैसे नहीं कह रहा, पर मेरा मन बहुत कर रहा है इसको खाने का, क्योंकि स्मेल बहुत ज़बरदस्त आ रही है आलू सब्जी की और पूरी की। घर तैयार है, सब घर तैयार है। चलो गुरुजी से मिलवाते हैं आप लोगों को, और गुरुजी हमारे अंदर शायद अभी अवेलेबल हों, और वैसे वो वहाँ पे भी आएंगे जागरण में भी, तो फिर जागरण में मिलवा देंगे जो भी नहीं मिल पाएंगे। मंदिर बढ़िया, पर खुला खुला मंदिर है, बहुत बड़ा भाई। एक्टिवा के मजे ले रहे हैं मैं और अल्फा पूरे पूरे, आगे शायद लाइट भी कम दिखे, और भाई पीछे है क्या, पीछे चल रहे हमारे खेत। तो ये वाली जिंदगी हम जीते थे हमारे मामा के, जब हम मामा के थे जीते थे ना भाई अल्फा, ये वाली लाइफ अंग्रेजी बीट थे यार भाई। अब टाइम हो गया चेंज, तो बहुत टाइम बाद हम दोनों ऐसे झूल रहे हैं इसमें एक्टिवा पे, और साइड में भाई फुल ऑन खेती चल रही है, मजा आते हैं। मौसम भी राहुल छापेगा क्या पूरी और सब्जी? अच्छा पागल, सोच रखिए 25-30 पूरी तो कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि सुबह तक कुछ ना खा रखा आज, यहीं लगा दूं। सारे के सारे भाई खाने में लग रहे हैं। तूने कति भी वो ना ही मेरी याद, परा ने कहा देखेगी, कहां तक देख लेगी परा, देख तू देख, मैं परली साइड फोन ले जाऊं, कहां तक देखेगी ले, देख भाई मैं ना देख, मैं नहीं खा रही, देख ये रहा का खाना, ये यही रहा, ओए तू पास होगो, तेरा रिजल्ट आ गया, मिठाई तू कह रहे और लेने के लिए कर, काहे मिठाई मिठाई लेके मामा के लिए बता खाने में, अरे रसगुल्ले नहीं चाहिए, वही वाली मिठाई चाहिए, येलो वाली, वो खत्म हो गई, ये मां नमस्ते, वो देख नानी आ गई तेरी फेवरेट वाली, देख ले भाई। और इधर हमारी दृष्टि मैडम भी लग रही है खाने में, परी हैं खा रहा हूँ मैं, लेके आ रहा हूँ, डाल रख ला रहा हूँ, खाओ 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 बेटा, पर आपको भूख लग रही थी ना? नहीं खा रही कुछ भी।
जिधर चल रही है अपनी बातचीत, और ये भैया वो ये जिन्होंने हमारे जागरण करा था, ये पूरा सेटअप है आज का जो लगा हुआ है। प्लस में ये भाई हमारी माता रानी का दरबार बनाया गया है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा सेम है जैसे अपना था, और सेम वो कब हुई है तो गाइज अभी कैसे हुई हो नहीं। तो गाइज अभी मैं नीतू और परी भाई निकल चुके हैं, क्योंकि भाई काऊ रो रहा था कंटिन्यूस जागरण के बाद, सुनकर रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए भाई हम लोग निकल चुके हैं। और अब जाएंगे हम नीतू के मामा के घर पे, क्योंकि भाई वहाँ पे स्टे करेंगे ताकि काऊ आराम से सो सके रात भर। और भाई बीमार हो जाता है यार, बहुत एक्सट्रीम रो रहा था यार, बहुत ही एक्सट्रीम। पर हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, मत्था टेक लिया था सबने, तो मेरे को लगा कि यार ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस रोए जा रहा है, 2-3 घंटे हो गए स्टॉप ही नहीं हो रहा, जैसे गाना बंद हो जाए तो रुक रहा है वरना फिर। और ये बैठे भाई पीछे हमारे सारे दिख रहे होंगे आपको, रात हो रही है अभी तो थोड़ा सा इतना पता नहीं चल रहा, और गाड़ी में लाइट भी कम है इस वजह से। ये भाई दिल्ली की सड़कें ज़रा देखें, नीट क्लीन केजरीवाल जी ने कितनी कर रखी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बड़े होंगे भाई। नेक्स्ट डे हो चुका है और टाइम हो रहा है भाई अभी सुबह के 5:46। तो अभी भाई निकलने की तैयारी है यहाँ से नीतू के मामा के घर से, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे फ्री हो चुके हैं, जागरण ख़त्म हो चुका है, वो सब लोग उठ चुके हैं। तो पापा को फोन आया कि आजा और भाई हमें लेके वहाँ चल अपने घर पर। फोन रात हुई है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिन लेट निकलता है, खेत है ना, खेती की वजह से ज़्यादा ठंड रहती है। ये देखो फुल ऑन रहा था अभी। ये भाई हमारा डोलूराम भी अभी सुबह सुबह उठ चुका है, ये हमारी मामी जी, मामी कह रही कुछ खा लो, मैंने कि भाई अभी सुबह सुबह इतनी जल्दी मन नहीं करता। और नीतू का तो फास्ट आज का, क्योंकि नीतू के लिए होली है। और ये भाई बहुत तगड़ा पेट इन्होंने पाला हुआ है, देखो क्या नाम भाई इसका, चुचू, मिस्टर चुचू। ये आ गया हमारी एक और यूट्यूबर भाई, आंचल का चैनल है आंचल यादव के नाम से। तो भाई आंचल के चैनल को भी बहुत अच्छा प्यार दो, सपोर्ट दो, क्योंकि बहुत मस्त मस्त अमेजिंग वीडियोस बनाती है वो भी। ये रात से जगी हुई, जब से मैं सोई नहीं है। पहले आंचल को समझ नहीं आया, जब हम आए ना तो आंचल एक बार बाहर आके देख के गई, क्योंकि हम आए थे 11:30 बजे, तो उसको समझ नहीं आया कौन आ गया, फिर बताई मामन जाके। फिर सुबह जल्दी उठती है ना वो, 5 बजे उठती है। पर एक भाई फुल और मस्ती चल रही है शायद, वो देखो थोड़ा दिन हो चुका है, थोड़ी थोड़ी धुंध है, अगर दिखाऊं खेतों में तो मैं आपको, खेतों में धुंध है ना नीतू। और भाई इधर लोग थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह, गांव में जल्दी उठ जाते हैं, गांव में बेसिकली लोग अपने वहाँ तो भाई 7:30 तक उठते हैं, यहाँ पे 5 बजे 6 बजे मैक्सिमम है। और अभी अगर आपको दिखाऊं तो भाई खेतों में ना एक नंबर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जबकि हम दोनों ने, मैंने और नीतू ने, रुक जाओ लाइट ऑन करता हूँ, ये देखो मैंने और नीतू ने हाफ स्लीव्स पहन रखी है, और ये हमारी पीछे परी और वो बैठे हैं, ये बैठे। और भाई साहब ये देखो खेतों में, खेतों का नज़ारा सुबह सुबह का, फ्रेशली मतलब इतनी फ्रेश, एक तो ऑक्सीजन इतनी प्योर है भाई यहाँ पे, सबसे मेन तो वो है, क्योंकि खेती में ना आपके मतलब पोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ जैसे मेरी गाड़ी है देख लो, दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। तो गाइज हम लोगों को ना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस मिली है कि अंदर मत आना, क्योंकि अंदर वो लोग खेल रहे हैं होली और सब लोग वो गंदे हुए हैं, तो पापा कह रहे हैं भाई तुम लोग बाहर ही रहना, हम लोग खुद इतने ज्यादा वो रखे हैं गंदे, मतलब पूरे कलर वलर में, तो तुम लोग अंदर मत आना, तुम लोग गाड़ी में बैठे रहो, इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं कि वो लोग यहीं आ जाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए भाई अभी होली पूजने के लिए, जैसे कि काऊ की ये पहली होली, तो हमारे में होली पूजी जाती है ना, तो ये रही नीतू, काऊ, मैं और मेरे पीछे मम्मी, मम्मी की अगर दिखी थोड़ी बहुत शक्ल तो दिखा देंगे, देख दिखी थोड़ा उड़ा ना, देखिए भाई यहाँ पूजी जा रही है हमारी होली, और उधर है नीतू मम्मी, ऐसे चक्कर काट के आएगी पूरा, उधर खड़ी है नीतू, आपको दिखा दूं मैं अभी, देख रहे हो मैं खा रहा था अभी, खाते हुए नीतू है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये कैप्चर क्यों ना शेयर करा जाए वीडियो का, कभी कभार मौका मिलता है ये। तो भाई रात को जागरण में से आने के बाद ना भाई सो ही रहा हूँ, सो ही रहा था कंटिन्यूस, सारे ही सो रहे थे, मैं क्या
और फिर सुबह जैसे आपने देखा होली पूजने गए थे तो काबू बहुत एक्सट्रीम रो रहा था, फिर आके सारे सो गए। मगा भाई अपनी नींद पूरी करो सबसे पहले। अभी भाई निकल गया हूँ मैं जिम के लिए, मगा यार कुछ अपने भाई दोस्त हैं उनसे मिल लेते हैं यार, भाई यार अपने थोड़ा सा बोली बोली बधाई दे देंगे और साथ में भाई अपना वर्कआउट कर लेंगे।